बाबू शाह टाइम से तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ बिक्रमजीत सिंह सो नवजोत सिंह सिद्धू दीआं उड़ीकां दे विच साडे नाल ने इस टाइम हरजिंदर सिंह जी जो कि समाणा तो एम एल ए रह चुके हैं। असीं गलबात करांगे जी नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़े ने बाहर आ रहे ने विआह वर्गा माहौल है की कहना चाहोगे? बड़ी खुशी की लहर है जी, तुसीं देख रहे हो किन्नी एक्साइटमेंट है, कितना जोश ते किन्नी खुशी है। 10 महीने की जेल तो बाद सिद्धू साहब आ रहे हैं और बहुत बड़ी उन्होंने परमात्मा की कृपा है। बड़े डिसिप्लिन दे नाल, बड़ी हिम्मत दे नाल जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला सी उन्हें जेल में पूरी करके अज आ रहे हैं। तो इस करके बिल्कुल दिवाली वाला माहौल बनया हुआ, खुशी का माहौल है। समूह पंजाब तो अपने आप भावें सानू समा घट मिलिया, सारे पंजाब तो ही वर्कर इकट्ठा होकर इतने हजूम की शक्ल के उन्होंने असी घर तक छड के आवेंगे। तो परिवार शाम को दुखनिवारण साहब तो काली देवी दे मंदिर से शुकराने वजो मत्था टेकणगे। आने वाले समय के बहुत वड्डी हिम्मत दे नाल उन्होंने पंजाब की सेवा करनी है। बड़े बड़े मसले ने, बहुत वड्डे मुद्दे ने पंजाब दे। अज पंजाब की जिहड़ी पकड़ है सरकार दे पकड़ तो बाहर हो गया पंजाब, अज इस तरह की वड्डी शख्सियत दे लीडरां दी पंजाब नूं जरूरत है और असी समझते हैं, असी महसूस करते हैं बहुत वड्डी इस लड़ाई का हिस्सा बनणगे, सेवा करनगे पंजाब दी और कांग्रेस पार्टी की सेवा करनगे। जेल की गल करिए, जेल जिहड़ी सुधार गया घर कहा जाता है, एक पाठशाला है, जो सज़ा मिलती है कितना कितने बिहेवियर बदलता है। तो सिद्धू के बिहेवियर बारे भी बड़े चर्चे होंगे ने, लगता भी उन्होंने सुधार जो बिहेवियर पक्का होएगा? मैं समझना तुम नवे रूप के शक्ल के सिद्धू साहब न मिलोंगे, उन्होंने जो फिटनेस लैवल है बहुत वधिया, उन्होंने 25-26 किलो वजन घटाया, अपनी इंट्रोस्पैक्शन की है अपने अंदर बैठ के और सुधार घर के बहुत सुधार वास्ते ही होंगे। आने वाले समय के नवे रूप के सिद्धू साहब को मिलोंगे तो वड्डी सेवा पंजाब की करेंगे। गल करी भी पटियाला फिर नवजोत सिंह सिद्धू का मत्था कैप्टन के नाल लगना है तो कैप्टन छड़प्पा मार के बीजेपी च जा चुके हैं, तुहानू की लगता कित्थे खड़ा कैप्टन का वकार? तुसी जिहड़े इस तरह के लीडर ने जिहड़ी मौका प्रस्ती की जिहड़ी राजनीति है उहदा समा खत्म हो गया, कल्ला पंजाब दे विच नहीं हिंदुस्तान दे विच ही ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਲਾਈਆਂ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਤਾ ਹੈ।